जी वेलकम बैक। चलें जी, कौन एक्सप्लेन करेगा इस डायग्राम को दोबारा? ठीक है, पुराने जमाने में ना एक चीज होती थी जिसको कहते थे रेडियो, वो यूज होता था वन वे कम्युनिकेशन के लिए ना। अब जमाना हो गया एडवांस, तो अब आप इसको रेडियो सेशन या FM 99 का टच मत दे। तो आप जो लोग भी हमारे साथ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार बिला तकल्लुफ करें। ठीक है, हम सब स्टूडेंट हैं, या तो मैं कोई टीचर हूँ, आप लोग कोई डर हो कि कोई गलती हो जाएगी, कि वो गलत बोल देंगे, तब तो एक अलग बात है। अभी तक जो आपने समझे आप उसको डिस्कस करें ओपनली। हो सकता है कि कोई नया कंसेप्ट आपके जहन में आया हो और उस चीज मैंने अभी तक पिकअप ना किया हो। वो आप में से कौन शेयर करना चाहेगा कि ये डिवाइस क्या कर रही, ये जो डायग्राम है इसमें जो डिवाइसेस वाला पार्ट है IoT डिवाइसेस वाला, वो क्या कर रहा है? एनीवन? क्योंकि अगर आप लोगों की तरफ से इनपुट नहीं आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि या तो आप लोग समझ नहीं पा रहे बिल्कुल भी, और समझ ना पा रही हूँ तो फिर ये सेशन करना बिल्कुल फजूल होगा। इसका मतलब है कि मेरे समझाने में कोई कसर है, तो फिर मैं पहले उस कसर को कंप्लीट करने की तरफ तवज्जो दूंगा बजाय इसके कि अपना और आप लोगों का टाइम ज़ाया करूँ। तो लेकिन बिला तकल्लुफ आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो भी समझ आए जैसा भी समझ आए वो बताएं। तो IoT डिवाइसेस वाला जो इस डायग्राम में पार्ट है वो कौन बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? ओके फाइन, हम यूँ करते हैं ABCD वाइज फिर मेरा ख्याल है शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आयशा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप बताइए कि जो IoT डिवाइसेस वाला पार्ट है इसमें क्या हो रहा है? में IoT डिवाइसेस में जो मोबाइल है वो ले रही है सिग्नल एज से, और फिर साथ जो स्टेशनरी मतलब सब चीज़ें जो हैं वो सिग्नल ले रही हैं हर चीज़ से, फिर सही है, सही से IoT गेटवे से ले रही है, और जो वेरिएबल जो है वो भी मतलब वायरलेस है वो भी सिग्नल रही है, और साथ एक नीचे जो है वो वायर्ड है IoT गेटवे से। सही, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर मोबाइल है वो क्या कर रहा है? वो जो मोबाइल एक ट्रक सा बना हुआ है, वो एच से ले रहा है सिग्नल सेल। वो IoT गेटवे से आपके ख्याल में कनेक्टेड क्यों नहीं है? IoT गेटवे से मतलब ओके फाइन, मरियम आप बताइए, इस सवाल का जवाब कि ये जो मोबाइल डिवाइस है ये IoT गेटवे से कनेक्टेड क्यों नहीं है? कि सीधा जाके वो जो ग्लोबल नेटवर्क है वहां से एच के अगेंस्ट वहां पे जाकर क्यों कनेक्ट हुई थी? वो एज डिवाइस जो है वो सिग्नल शायद ज्यादा लेती है शायद इसलिए। शायद ये यकीनन। शायद अच्छा, शाही साहब तो आज हमारे साथ है नहीं, वरना हम उनसे पूछ लेते कि उनके सिग्नल जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सना आप बताएं। सर, मेरे ख्याल से जो वो बता रही है उसकी बता रही है ये डिवाइस जो सिग्नल्स है जी, बताइए। तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना मोबाइल सिग्नल्स के, और ये जो IoT की डिवाइसेस है वो जो है क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। चले, मैं थोड़ी सी एक बार फिर इस वाली स्लाइड को रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। ठीक है,
काइंडली ध्यान से सुनना शुरू कर दें, क्योंकि मैं मोड चेंज कर रहा हूँ, वन वे से टू वे या इंटरेक्टिव स्टाइल पे जा रहे हैं अब से हम। तो देखें, मैंने पहले भी बताया था कि टेम्परेचर का एक सेंसर है, वो घूम तो नहीं रहा होगा ना, वो किसी एक जगह फिट होगा। सपोज आपका कोई प्लांट है, उसके अंदर किसी दीवार पे या छत में लगा हुआ, ठीक है, उसी जगह पे लगा हुआ। अब वो छत जो है या वो दीवार जो है किसी प्लांट के अंदर है, तो वो जो सेंसर है सेकेंड नंबर वाला, जो 74 जिस पे लिखा हुआ है टेम्परेचर सेंसर है, ये अब चूंकि एक ही जगह पे है ना, तो अपने लोकल IoT गेटवे से कनेक्ट हो गया और उसको डेटा दे रहा है, ठीक है। जो भी इसका सेंसर का काम है, लाइक ये टेम्परेचर सेंसर है, उसका काम ये है कि एनवायरनमेंट से टेम्परेचर सेंस करे और IoT गेटवे को दे दे और वो इसको आगे क्लाउड पे भिजवा। कैमरे का काम क्या है, कैमरा एक जगह किसी जगह लगा हुआ है, आपके घर में कोई कैमरा लगा हुआ है, आपकी दुकान में, आपके प्लांट में, आपकी फर्म में कोई कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा एक ही जगह फिट हो जाता है ना, फिट होके वो अपने उस एरिया की पिक्चर देना शुरू कर देता है। तो यार वो भी एक ही जगह फिट हुआ है, तो वो अपने आसपास, अगर वो घर में लगा हुआ है तो घर का जो लोकल IoT गेटवे होगा, अगर वो दुकान में लगा हुआ है तो दुकान के लोकल IoT गेटवे को सिग्नल दे रहा होगा, डेटा दे रहा होगा, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लाइक आपके पास स्मार्ट वॉच है या कोई फिटनेस बैंड है। फिटनेस बैंड क्या होते हैं वो आप नेट पे चेक कर ले, अगर आपको आइडिया नहीं है तो। वो क्या करते हैं, वो आप काइंड ऑफ ए घड़ी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ना सिर्फ ये कि आपको टाइम बता रहे होते हैं, बल्कि साथ ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपने कितने कदम उठाए हैं सुबह से, कितनी आपने वॉक की है, तो आपको आपके करंट स्टेप्स बता रहे होते हैं, आपका करंट हार्ट रेट बता रहे होते हैं। और जो रीसेंट हवावे का जो स्मार्ट वॉच आई है, आई थिंक सो उसका नाम है Band 5, वो तकरीबन 5,000 रुपये की है, वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी मिकदार है वो भी मेयर कर रही होती है, उसमें ब्लड ऑक्सीमीटर भी लगा हुआ है। तो ये आपका डाटा ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी नॉर्मली लाइक ये नॉर्मली जब आपने पहने हुए हैं और आप अमूमन घर भी रहते हैं, तो ये अपने लोकल IoT गेटवे, जो घर का IoT गेटवे है ना, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप घर से बाहर गए होंगे तो अपने अंदर डाटा स्टोर करती रहेगी, और जो ही आप वापस आके शाम को घर में दाखिल होंगे, तो वो उस IoT गेटवे को जब पाएगी कि मैं आज जब घर पहुंच गई और मुझे IoT गेटवे के सिग्नल मिलना शुरू हो गए हैं, तो वो उस वक्त पूरे दिन का डाटा IoT गेटवे के थ्रू क्लाउड पर भिजवा देगी, ठीक। अब ये जो मोबाइल है ना, मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोग कान खोल कर नहीं सुन रहे, वो मैंने ये दी थी कि देखिए मोबाइल में हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई फ्लीट है, गाड़ियों का फ्लीट है, जिसका TCS कंपनी है ना, ठीक है। तो उन्होंने अपनी हर गाड़ी में सिग्नल यानी कि GPS लोकेशन का सेंसर लगाया हुआ है। अब देखिए गाड़ी एक जगह पे खड़ी तो नहीं रहती, मतलब TCS की गाड़ी है, वो पूरे शहर में घूम रही होगी, ठीक है, डिलीवरी देने के लिए, सामान देने के लिए। तो अगर तो वो उनकी पार्किंग में ही खड़ी रहती सारा टाइम 24 घंटे, तो फिर तो कोई मसला नहीं था, उसको भी हम लोकल IoT गेटवे जो TCS के दफ्तर में लगा हुआ था उससे कनेक्ट कर लेते, तो उससे वो डाटा देता रहता। लेकिन इस गाड़ी में तो पूरा शहर भर में, अब जाहिर है जो लोकल IoT गेटवे लगा हुआ है, जिस तरह आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, तो उस वाईफाई की जो सिग्नल है वो आपके घर तक ही है ना, या घर से ज़रा सा बाहर चले जाएंगे गली में वहाँ तक आ रहे होंगे, उससे आगे थोड़ी जा रहे होंगे, ठीक। तो इस गाड़ी में चूंकि पूरा शहर फिरना होगा, और पूरे शहर में जहाँ भी होगी इसने अपने GPS सेंसर से अपनी लोकेशन लेके आगे क्लाउड को भिजवानी होगी। ऐसी सूरत में अगर हम इसको लोकल IoT गेटवे से कनेक्ट करते, तो इस गाड़ी का तो उसका काम नहीं था कि इसने पूरे शहर में डिलीवरी उसके लिए फिरना है, तो वो तो फिर डाटा दे ही ना पाती, ठीक। इसलिए जो इस तरह के सेंसर्स होते हैं, जो कि आपके मोबाइल सेंसर्स होते हैं, जो कि आपकी किसी लोकेशन डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो इनका वाइड एक्शन एरिया होता है, ऐसे सेंसर्स को हम फिर बजाय लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने की ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ना, जोंग के सिग्नल 4G के या किसी भी XYZ कंपनी के मोबाइल कंपनी के मोबाइलिंग के ले लें, यू फोन के ले लें, वो तो पूरे शहर में फैले हुए हैं ना, तो ये गाड़ी जहाँ भी जाएगी इसको यू फोन का सिग्नल मिल जाएगा या जोंग का सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन इसको अपना लोकल वाला सिग्नल तभी मिलेगा जब ये अपने
ऑफिस की पार्किंग में आके खड़ी हुई। इस मोबिलिटी की वजह से हमने क्या किया था कि इसको बजाय लोकल आईओटी गेटवे से कनेक्ट करके हमने ग्लोबल वाले गेटवे से, ग्लोबल नेटवर्क वाले गेटवे से कनेक्ट किया है, क्योंकि उसका दायराकार जो जोन का दायराकार है या जो टेलीकॉम कंपनी है उसका दायराकार इतना बड़ा है कि उसके सिग्नल उसको हर जगह मिल रहे हैं, ठीक है, डाटा भिजवाने के लिए क्लाउड के ऊपर नेट के सिग्नल से। जबकि जो लोकल आईओटी गेटवे है उसका हाल बिल्कुल आपका वाईफाई वाला है कि वो आपके घर या घर के बाहर गली तक सिर्फ आपको सपोर्ट दे रहा होगा। तो जो घर में कैमरा लगा है उसके लिए बिल्कुल ठीक है, उसको आप लोकल आईओटी गेटवे से कनेक्ट कर दें, ठीक है। आपके बाजू के ऊपर कोई बैंड है उसके लिए बिल्कुल ठीक है कि आप उसको लोकल आईओटी गेटवे से कनेक्ट कर दें। आपके घर में जो कैमरा लगा हुआ है उसके लिए बिल्कुल ठीक है कि उसको आप अपने लोकल आईओटी गेटवे से कनेक्ट कर दें। उसको भी आप चाहें तो ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सपोज आपके घर में 5 कैमरे लगे हुए, 5 के 5 आपके लोकल वाईफाई से कनेक्ट होकर बिल्कुल सही डाटा भिजवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लोकल की जगह ग्लोबल पे लेके जाना चाहें तो फिर आपको 5 सिमें खरीदनी पड़ेंगी, उन सिमों पे 5 नेट के पैकेज भी एक्टिवेट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर वो 5 जो सिमें हैं उनके ऊपर हर महीने वो लोड करवा के पैकेज भी करवाना पड़ेगा इंटरनेट वाला, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। और कल के आपको 5 की जगह 10 कैमरे लगाना की तरफ जाते हैं कि आप मैंने 10 कैमरे लगाने हैं, तो आपको फिर 5 ऑलरेडी आपने सिम्स ली हुई थी उनका, ऑलरेडी आप डाटा का वो प्लान खरीद रहे थे, अब तो आपको 5 और सिमें खरीद के जो नई 5 डिवाइसेज आई होंगे भी लगाना पड़ेगा। जबकि अगर आपने लोकल आईओटी गेटवे से कनेक्ट किया होता तो कोई मसला नहीं था। जिस तरह आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आपके उसके मोबाइल के ऊपर भी अपने वाईफाई का पासवर्ड जब डालते हैं तो वो मेहमान भी आपके उसी वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्ट होकर डाटा यूज़ करना शुरू कर देता है, आपको एक्स्ट्रा बिल नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसका जो स्कोप देखा कि हमारे जो सेंसर्स हैं उनका स्कोप क्या है मोबिलिटी के हवाले से, अगर वो लोकल स्कोप में है तो आपने उनको लोकल आईओटी गेटवे से कनेक्ट कर दिया, और अगर उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है और आपके आईओटी गेटवे का जो कवरेज एरिया है वो उतना नहीं है, ठीक है, उस सूरत में फिर आप उन सेंसर्स को ग्लोबल वाले से कनेक्ट कर देंगे एक कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन में। वरना मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दे दी कि आप चाहें तो अपने सारे कैमरा के अंदर आप लाइक सिम लगाएं और उस पर पैकेज करवाएं तो आप सारों को डायरेक्ट भी ग्लोबल से कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो जनाब आईओटी डिवाइसेज है वो ग्लोबल से या लोकल से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें ज़ाहिर है लोकल नेटवर्क आपको समझ आ गया कि लोकल नेटवर्क बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका लोकल वाईफाई लगा हुआ है और उसके थ्रू डाटा इंटरनेट पर जा रहे हैं, और जो ग्लोबल है वो ज़रा ग्लोबल है, ठीक है, वो जिस तरह यूफोन जोंग वगैरह टेलीकॉम कंपनीज का नेटवर्क है जिसकी कवरेज ज़्यादा है। और देन उन दोनों को यूज़ करते हुए लाइक आईओटी गेटवे को या ग्लोबल वाले गेटवे को आप यूज़ करते हुए डाटा सेंस करने के बाद, सेंस कहाँ पे हो रहा है, आईओटी डिवाइसेस पे हो रहा है, ठीक है। आईओटी डिवाइसेस सेंस करती हैं इधर लोकल नेटवर्क के थ्रू या ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू क्लाउड पे डाटा भिजवा देती है। क्लाउड के ऊपर क्या होता है, क्लाउड उस डाटा को प्रोसेस करता है, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालता है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के यूज़र को देता है जब यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का मैनेजर हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले 3 माह में मेरा जो सेल ट्रेंड है वो क्या रहा है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है, किस टाइप की चीज़ें कम बिक रही हैं। तो मैं देखूँगा कि जी पिछले सालों मतलब पिछले 3 माह में वेस्ट कोट बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो गई है। मुझे समझ आ जाएगी कि आजकल वेस्ट कोट का फैशन आ रहा है, लोग ज़्यादा वेस्ट कोट खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो मैं उसके हवाले से फिर प्लानिंग कर लूँगा और मज़ीद ऑर्डर के लिए या नेक्स्ट अपने जो मैंने मार्केट में माल लेकर आना है जो डिस्प्ले में उसके हवाले से फिर मैं डिसीजन ले लूँगा, ठीक है। जो चीज़ें कम बिक रही हैं मैं समझ जाऊँगा कि इनकी सेल ठीक नहीं हो रही तो इनको वाइप ऑफ करो और इनको मतलब निकालो, सेल पे लगा के इनको ख़त्म करो क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड नहीं है। और उसकी जगह हम जो ज़्यादा बिक रही हैं चीज़ें हैं जिन चीज़ों की लोगों में ज़्यादा डिमांड है उसको लिख रहे हैं। तो इस तरह की जो डिसीजंस होते हैं ना वो फिर क्लाउड के ऊपर जो डाटा कलेक्ट हो रहा है ना सेंसर से, ठीक है, उसकी मदद से फिर हम आगे उसके ऊपर यूज़र इंटरफेस में यूज़र के सामने प्रेजेंट करते हैं और यूज़र उसकी बेस पे फिर डिसीजंस लेता है, ठीक हो गया। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। वैसे तो मेरा प्लान था थोड़ा सा आगे जाने का लेकिन इस स्लाइड के ऊपर ही मैं थोड़ा सा ठुस हो गया हूँ। खुश होने की वजह ये है कि आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा मज़े का नहीं आ रहा, तो काइंडली थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए आप लोग,
वरना फ़ायदा नहीं होगा फिर सारे सेशंस करने में। हमारा तो प्लान ये है कि हमें सारे सेशंस एंड तक लेके चलें, जब तक हमारा कोर्स चल रहा है, जब तक हमारा सेशन चल रहा है ये वाला, या जब तक हमारा सेमेस्टर चल रहा है। लेकिन उसमें यही होगा कि हम सबकी पार्टिसिपेशन है ना, ठीक है? तो आप मुझे बिल्कुल भी इलामा इकबाल तसव्वुर ना करें, और इसको बिल्कुल ऐसे ही रखें जिस तरह की ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी हो रही होती है या ग्रुप स्टडी हो रही होती है। सही है? तो यहाँ आने से पहले भी कुछ पढ़ाया करें, मेरी तरफ से कोई ममानियत नहीं है कि आप इन स्लाइड्स को बिल्कुल 9:30 तक खोल के ना देखें, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की, ठीक है? तो आप 9:30 से पहले इन स्लाइड्स को खोल के देख सकते हैं, या जो पोर्टल पे वीडियोस दी हुई हैं उनको भी आप खोल के देख सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, बल्कि मुझे खुशी होगी। अच्छा, एंड टू एंड IoT अब ये क्या शो कर रही है? ये कर रही है कि हमारा जो टारगेट होता है, और नॉर्मली हम लोग यही अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि जो हमने पिछले 4-5 लेवल देखे हैं ना, इन पाँचों के पाँचों लेवल्स के ऊपर IoT ही इम्प्लीमेंट हुई हो, यानी कि ट्रू एंड टू एंड IoT सिनेरियो बने। कैसे? देखिए, जो हमारा सबसे लेफ्ट साइड वाला एरिया है वो है IoT डिवाइसेस। उनमें क्या आ रहा है? वो जाहिर है वो मतलब सेंसर्स लगेंगे। तो सेंसर्स किस पे बने होते हैं? बेस कर रहे थे सिलिकॉन पे। सिलिकॉन ही नॉर्मली बेस मटेरियल होता है तमाम सेंसर्स और सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का, ठीक है? उसमें एम्बेडेड OS इंस्टॉल हुए होंगे, ज़ाहिर कैमरा है उसके अंदर भी एक OS इंस्टॉल हुआ होगा जो कि पूरी मैनेजमेंट कर रहा होगा कैमरे की, ठीक है? कोई टेम्परेचर सेंसर है, आपका मोबाइल वॉच है, फिटनेस वॉच है, उसके अंदर प्रॉपर OS बना हुआ है ना, क्योंकि आपको इंटरफेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है जिसकी मदद से आप उस डिवाइस को ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर सिलिकॉन है, सिलिकॉन से मीन ये है कि उसके अंदर सर्किटरी है, सर्किट्स बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। फिर उसके ऊपर कोई एम्बेडेड OS इंस्टॉल हुआ है, विंडोज़ की तरह नहीं होगा लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में एंड्रॉयड एक खास तरह का OS है जो कि आपको फोन यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। इसी तरह से आपका फॉर एग्जाम्पल कैमरा है तो कैमरा को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कैमरा में से व्यू देखने के लिए एक खास इंटरफेस होता है कि आप कैमरा के IP के ऊपर जाते हैं और फिर आपको वीडियो आना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो आपका वो डिवाइस वाला सेक्शन है ना, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये भी सारी IoT में आ रही हैं। फिर जब आप जाते हैं कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी वाली साइड के ऊपर, यानी कि जो हमारा लोकल IoT, इनकी वो जो सेंसर्स हैं ना, डिफरेंट तरह के सेंसर्स होते हैं, वो मिलकर एक IoT डिवाइस बनते हैं, ठीक है? यानी कि सर्किट्स बने, सर्किट्स की मदद से सेंसर्स बने, सेंसर्स के ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और 2-3 सेंसर जोड़ के और मजीद कंपोनेंट जोड़ के आपने एक IoT डिवाइस बना ली, ठीक है? इसमें कैमरा है तो कैमरे के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक नेटवर्क का भी मॉड्यूल होता है जिसको यूज़ करते हुए उसने डाटा आगे भिजवाना है। फिर एक कैमरे की वो लेंस होता है जिसकी मदद से उसने आसपास की तस्वीर खींचनी होती है। फिर एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होगा कि उसने जो तस्वीर खींची है उसको प्रोसेस करे, प्रोसेस करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे, ठीक है? और कन्वर्ट करने के बाद फिर वो आगे नेटवर्क की वो जो पॉइंट है उसके थ्रू या वाईफाई के पॉइंट के थ्रू उसको आगे भिजवाए। और अगर उसमें कार्ड की स्लॉट भी लगी हुई है, जो क्या कहते हैं SD कार्ड होता है, तो साथ साथ ये कर रहा होगा कि जो डाटा वो कैप्चर कर रहा है कैमरा वो कार्ड में सेव भी कर रहा होगा। ये सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, सर्किट्स हैं, जो मिलकर एक IoT डिवाइस बना रहे होते हैं, ठीक है? तो वो जो अलग अलग सेंसर्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल हैं, वो भी एक IoT की फॉर्म है, और वो मिलकर एक IoT डिवाइस बना रहे हैं। वो डिवाइस फिर गेटवे से कनेक्ट हो रही है। तो गेटवे क्या है? गेटवे भी एक IoT डिवाइस है जिसके अंदर क्या सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है कि वो डाटा लेता है और आगे भिजवाता है नेटवर्क, ठीक है? वो भी एक डिवाइस ही है ना, जिसका काम ही हो गया कि वो जिस तरह सेंसर्स क्या करते हैं, सेंसर एनवायरनमेंट से डाटा लेते हैं और आगे गेटवे को भिजवाते हैं, ठीक है? यानी एक चीज से डाटा ले रहे हैं और दूसरे को भिजवा रहे हैं। तो गेटवे क्या कर रहे होते हैं? गेटवे भी जिस तरह सेंसर्स एनवायरनमेंट से डाटा सेंस करके, टेम्परेचर सेंस करके, वीडियो सेंस करके, इमेज सेंस करके आगे भिजवाते थे गेटवे को, इसी तरह गेटवे क्या करते हैं कि गेटवे डिवाइसेस से डाटा लेते हैं, या यूं समझ लें कि डिवाइसेस से सेंसिंग करते हैं और उस डाटा को आगे भिजवा देते हैं क्लाउड पे। क्लाउड पर क्या करते हैं? और उसको भिजवाने में फिर नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन ये वो। और उसके बाद क्लाउड के ऊपर जाकर क्या होता है कि वहाँ पे IoT की सर्विसेज या प्लेटफॉर्म चल रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उन डिवाइसेस का डाटा रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उस पर उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको फिर एंड यूज़र को भिजवा देते हैं, एंड यूज़र को प्रेजेंट कर देते हैं। तो हर एक जगह पे गिव एंड टेक भी चल रहा होता है, और हर जगह पे वो जो IoT का आर्किटेक्चर है ना, वो सेंस करना डाटा को
और उसको प्रोसेस करके आगे भिजवाना, ये हर लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, चाहे वो आप सेंसर ले लें, चाहे वो आप क्लाउड ले लें, चाहे वो आप गेटवे ले लें, चाहे वो आप डिवाइस ले लें, हर एक के ऊपर इसी तरह से डेटा लिया, प्रोसेस किया, आगे भिजवाया, डेटा लिया, अगले वाले ने प्रोसेस किया, मजीद आगे भिजवाया, अगले वाले ने फिर डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया और फिर मजीद आगे भिजवाया, तो ये पूरा साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, तो आज हम 11 बजे ख़त्म करेंगे अपना लेक्चर, और 11 बजने में रह गया है थोड़ा सा टाइम, 8 मिनट, तो होपफुली हम ये अगली 2 स्लाइड शायद हम कवर कर सकेंगे, यानी वे देखते हैं। तो इसमें ना ये सामने आपके कुछ एग्जांपल आईओटी डिवाइसेस दी हुई हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर सेंसर्स हैं, जिस तरह ज़मीन की लेवलिंग के सेंसर्स होते हैं कि जो आप खेत बना रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें आपको पानी के फ्लो के लिए ना एक लेवल रखना पड़ता है, ताकि प्रॉपर जो आप उस खेत को पानी दें तो वो पानी हर बीज तक आसानी से पहुँच जाए, तो उसके लिए लेवलिंग के सेंसर यूज़ हो रहे होते हैं जो कि एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ होते हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटर है, ठीक है, जो कि फिज़ा में कितने डस्ट पार्टिकल हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर कुछ इंडस्ट्रियल कंट्रोल के सोलूशंस हैं, ये भी आईओटी डिवाइसेस होती हैं जो कि मतलब मुख्तलिफ तरह से इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। स्मार्ट स्पीकर हैं एलेक्सा वगैरह के या गूगल वगैरह के, जो कि आपके घर की ऑटोमेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टेट्स हैं, ये नेस्ट वगैरह के सेंसर्स हैं जो कि टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं और नेट से कनेक्ट होकर आपको नेट के ऊपर उस अपनी जिस जगह पर उसको इंस्टॉल करते हैं उस जगह का टेम्परेचर नेट के ऊपर वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं यूजिंग इंटरफेसेस। मूड लाइटिंग है, जो कि जैसे हम बल्ब चलाते हैं तो वो ऑन हो जाता है और बल्ब ऑफ करते हैं बटन को तो वो ऑफ हो जाता है, लेकिन ये जो बल्ब होते हैं तकरीबन पाकिस्तान में 1500 मिलना शुरू हो गया, इवन फिलिप्स वगैरह के भी, वो नंबर एक और में ये होता है कि वो एक वाइट के अलावा और भी मतलब बहुत ज़्यादा कलर्स की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप वो उनकी ऐप होती है, आप उस ऐप के थ्रू को एक्सेस करें और आप सेट करते हैं कि यार इसने रेड कलर की लाइट देनी है तो रेड कलर की लाइट देना शुरू कर देगा, फिर आप कहें नहीं मुझे ग्रीन कलर की लाइट चाहिए तो ग्रीन कलर की लाइट देना शुरू कर देगा वही बल्ब, और वो ऐप के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे। देन आप उसकी डिम और हाई भी कर सकते हैं कि अगर आपका शाम का रात का वक्त है तो आप उसे कहें आप इंटेंसिटी इसकी 100% कर दें तो वो बल्ब पूरी फुल स्विंग के साथ चल पड़ेगा। बाद में आप सोने लगे और आपका मूड है कि ये जो लाइट है अब ये 0 वाट का इतना बल्ब होता था पुराने ज़माने में, उस तरह की डिम लाइट हो जाए ताकि हल्की हल्की बस रोशनी हो और मैं आराम से सो जाऊँ, तो उसके लिए आप उसको कमांड देंगे तो डेंसिटी लो भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक 0 वाट के बल्ब जितनी रोशनी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, तो ये स्मार्ट बल्ब आ रहे हैं। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल रियलिटी हैंडसेट्स हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉनिटरिंग के हवाले से कैमराज हैं जो कि ना सिर्फ घर में लगते हैं बल्कि आप ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में तो उन्होंने इमेज लेना होता है, अब इमेज का प्रोसेसिंग करवाते हैं, अगर आपने किसी सड़क पे कैमरा लगा दिया और आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा ली कि जब भी उस फ्रेम में से कोई गाड़ी गुजरे तो उसको काउंट कर ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त सड़क के ऊपर इतनी गाड़ियाँ इन हो चुकी हैं। ठीक है, और इसी तरह ब्रीथ एनालाइजर है, ये मेडिकल डिवाइस आ जाती है, बैटरी है स्मार्ट जो कि अपने अंदर करंट कंट्रोल कितनी पावर है, कितनी रह गई है, कितनी कम है, किस रेट पे चार्जिंग करनी है, ये सारे मामला देख रहे होते हैं, उनके अंदर प्रोसेसर्स लगे होते हैं बैटरीज के। ठीक है, फिर यूनिवर्सल रिमोट्स आ गए हैं जो कि जिस तरह की डिवाइस से भी आप कनेक्ट करें उसको कंट्रोल करने के काबिल हो जाते हैं। फिर डैश बटन्स हैं, स्मार्ट लॉक्स हैं जिनमें फिंगरप्रिंट भी हो सकते हैं, कोई कोड भी हो सकता है, पैडलॉक भी हो सकता है। फिर वेयरेबल डिवाइसेज हैं वो जो मैंने आपको बताया, फिटनेस बैंड्स या स्मार्ट वॉचेज, इस तरह की जो मेडिकल के हवाले से डिवाइसेज हैं जिनमें बीपी मॉनिटर, कोई कार्डियक एक्टिविटी मॉनिटर वगैरह हैं जो कि हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं। फिर स्मार्ट होम्स हैं जिसके अंदर पूरे का पूरा घर आप जो है ना अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पूरे सिस्टम्स हैं। फिर स्मार्ट अप्लाइंसेज हैं, मतलब स्मार्ट फ्रिजेस आ गए हैं, स्मार्ट और तरह की डिवाइसेज आ गई हैं जिस तरह टीवी आ गए, स्मार्ट टीवीज वगैरह। फिर वेदर के सेंसर हैं, टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के, जो एयर आपकी चल रही है उसके रुख के, एयर की स्पीड के वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी आईओटी डिवाइसेस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी इंडस्ट्री में, अपने अपने लेवल के ऊपर आईओटी को यूज़ करते हुए काम कर रही होती हैं और किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन दे रही होती हैं या किसी स्पेसिफिक एरिया से डेटा कलेक्ट करके आगे उस पर प्रोसेसिंग करवा रही होती हैं। ठीक है, और इस स्लाइड में जो कि हमारी आज के लिए आखिरी स्लाइड होगी, इसमें दिया हुआ है कि किस किस एस्पेक्ट में, ये देखें बैकग्राउंड में आपको वही 5 एरियाज वाली स्लाइड नजर आ रही है। ठीक है, आईओटी डिवाइसेस, लोकल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, क्लाउड सर्विसेज और यूजर इंटरफेस, और इसमें जो मेजर 3 इम्पैक्ट्स हैं वो हैं, एक तो क्लाउड, एक है वो जो आपका गेटवे,
और एक है आपकी डिवाइस, इन तीनों के क्या क्या फीचर्स होते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं आईओटी डिवाइस के क्या फीचर होते हैं। नंबर एक तो ये कि आईओटी डिवाइस के अंदर एक प्रोग्राम होता है, वो अपने प्रोग्राम किया होता है, जैसा कि हम रस्ट सीख रहे हैं तो रस्ट सीख के हम उससे प्रोग्रामिंग करेंगे आईओटी डिवाइसेस की और उन डिवाइसेस को अपने किसी खास काम करने के काबिल बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर। एक तो उसमें प्रोग्राम लोड हुआ हुआ होता है जो कि किसी ना किसी ने प्रोग्राम किया होता है, उसकी मदद से उसे कोई खास काम करवा रहा होता है। नंबर टू उसमें लाइट वेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जो कि डेटा को सेंस करने के बाद या जो प्रोग्राम उसे काम करवा रहा है उस काम को करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको वो आस पास कहीं किसी को भिजवा सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। फिर उसके बाद हार्डवेयर की लेयर होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ये दो चीज़ें आ रही होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक में हो, कहीं में नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम जब शुरू में काम करेंगे तो उसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं होगा, बस हम सिंपल रस्ट का प्रोग्राम लिखेंगे, उसको अपनी वो जो STM32 है डिवाइस उसके ऊपर बर्न करेंगे, वो जो ही उसको पावर देंगे ना वो प्रोग्राम हमारा चलना शुरू हो जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसकी पावर को बंद ना कर दें, ठीक है। और साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ है रिमोट मैनेजमेंट, वो भी दी जा सकती है कि बंदा कहीं पर भी बैठे बैठे उस डिवाइस को कंट्रोल कर ले। जैसे हमारा ये टेम्परेचर सेंसर है तो हमने उसको सेट किया हुआ था कि जनाब अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो आप अलार्म देना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन आगे जाके सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों में हम चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू को कम कर दें, तो हम कहीं भी बैठे बैठे उसको कमांड दें कि भाई अब तुमने जो अपना लिमिट है ना अलार्म देने की, पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने अलार्म देते थे, अब आप उसको सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो टेम्परेचर तो अलार्म दे दें, ठीक है। तो अब मैं उसको उसकी मैनेजमेंट कर सकूँ बजाय इससे कि पूरा प्रोग्राम चेंज करूँ और उसके अंदर जाऊँ और फिर उसको दोबारा से रीप्रोग्राम करूँ, उससे बड़ा बेहतर है कि मेरे पास एक इंटरफेस हो, उस इंटरफेस के थ्रू उसको कहूँ कि नहीं जी अब आपने जो थ्रेश होल्ड लिमिट है उसको 25 की जगह 20 कर देना है डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपने आप को सेट कर ले और अगली बार 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जो ही टेम्परेचर आपको उस वक्त वाला आराम बचना शुरू हो जाए, ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर इसी तरह आईओटी गेटवे सेकंड लेवल, ये जब आईओटी डिवाइसेस डाटा सेंस करती हैं अपने सेंसर्स के थ्रू तो उसको आगे आईओटी गेटवे को भिजवाते हैं। अब आईओटी गेटवे में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, नंबर एक तो ये डाटा एंड मैसेज मैनेजमेंट होती है, ठीक है। उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डाटा को ले सके और भिजवा सके आगे। नंबर दो ये कि अगर किसी वजह से कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेट बंद हुआ होगा, जैसे आप धरने की वजह से जो है आजकल मैंने सुना है कि I8 और I9 वगैरह में शायद इंटरनेट बंद किया गया, तो ऐसी सूरत हाल में जब आप इंटरनेट कनेक्टेड ना हो तो जो सेंसर डाटा भिजवा रहे हैं उसको आप स्टोर कर लें। फिलहाल IoT गेटवे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो नेट पे पैकेट नहीं भिजवा पा रही, डाटा नहीं भिजवा पा रही, तो बजाय इसके कोई डाटा ज़ाया हो IoT गेटवे फॉर द टाइम बीइंग उस डाटा को अपने अंदर स्टोर कर ले और जो भी नेट कनेक्टिविटी बहाल हो वो सारे का सारा डाटा उसको आगे वहाँ आगे फॉरवर्ड करके क्लाउड कंप्यूट क्लाउड सर्वर्स की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स होंगे कि जब अगर वो डाटा मिल गया है, कनेक्शन मिल गया है, डाटा भी मिल गया है और इंटरनेट कनेक्शन भी मिल गया है, तो अब फील्ड प्रोटोकॉल होंगे, IoT के प्रोटोकॉल होंगे और नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल होंगे, इनको यूज़ करते हुए उस डाटा को कम्युनिकेट करेगा क्लाउड की तरफ। फिर उसके बाद इसमें एप्लीकेशन रन टाइम एनवायरनमेंट आ जाएगी कि ये रन टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा होगा, जब आप उसको पावर देंगे तो कैसे स्टार्ट होगा, अपनी सिग्नल्स वगैरह को कैसे वायर करेगा, उसके बाद डिवाइसेस को कैसे डिटेक्ट करेगा और डिवाइसेस को डिटेक्ट करने के बाद उसे डाटा लेगा कैसे और आगे कैसे भिजवाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली होता है, जैसे आपका राउटर है ना, राउटर को जब आप कॉन्फ़िगर करने लगते हैं तो उसके IP पे जाते हैं तो आपके सामने एक पेज खुल जाता है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होते हैं और उस ऑप्शन की मदद से अपने राउटर को आप कन्फिगर करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड उसके अंदर चेंज कर लेते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो IoT डिवाइसेस के अंदर तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शनल है, IoT गेटवे के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बड़ा ज़रूरी है और उसकी वजह यह है कि आपने IoT गेटवे को अच्छा खासा प्रोग्राम करना होता है, उसके ऑप्शन चेंज करने होते हैं वगैरह वगैरह। और फिर वही वाली बात रिमोट मैनेजमेंट वाली कि आप इसके अंदर रिमोट मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को चेंज कर सकें या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकें। और तीसरा मेजर एस्पेक्ट जो आता है वो आता है क्लाउड की सर्विसेज का। क्लाउड की सर्विसेज में क्या होता है, नंबर एक तो ये यूज़र इंटरफेस है जिसके थ्रू क्लाउड की सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर करते हैं। देन फिर इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है वो आ कि जब आपको डाटा रिसीव हुआ, जब आपने डाटा को प्रोसेस किया, जब आपने डाटा को सेव किया, ये सारे इवेंट्स अगर होते हैं
उन इवेंट्स की मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है और हर इवेंट के कर होने पर आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये चीज़ें आप प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे। फिर एनालिटिक्स आ जाती है कि डेटा आपको मिल रहा है उसको आपने एनालाइज कैसे करना है, उसके लिए आपने किन एस्पेक्ट्स को देखना है, आपके KPIs क्या होंगे, ठीक है, और उन KPIs को आप कैसे एवेल्यूएट करेंगे और वो आपका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पर लेके जाएंगे या नेगेटिव साइड पर लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। फिर डेटा जो आपको रिसीव हो रहा है मुख्तलिफ IoT डिवाइसेस से थ्रू IoT गेटवे, वो आपने मैनेज कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, डेटाबेसिस में डालना है, कहाँ पे डालना है, ठीक है, उसकी रिटेंशन पॉलिसी क्या होगी, उसकी स्टोरेज और बैकअप पॉलिसी क्या होगी, देन फिर डिवाइसेस है उनकी मैनेजमेंट कैसे होगी, अगर आपके पास कोई नई डिवाइस आती है डेटा भिजवाने के लिए IoT की तो वो आप कैसे रजिस्टर करेंगे, उसको ID कैसे असाइन करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा डाटा कौन सी वाली डिवाइस से आए, जिसमें आपकी डिवाइसेस पूरे पाकिस्तान में लगी हुई हैं, तो कौन सी डिवाइस रावलपिंडी से डाटा भेज रही है, कौन सी डिवाइस लाहौर से डाटा भेज रही है, कौन सी डिवाइस कराची से डाटा भेज रही है, ये सारी रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। फिर जो कम्युनिकेशन है और जो मैसेजिंग हो रही है, आपकी डिवाइसेस आपको जो मैसेज भिजवा रही हैं थ्रू IoT गेटवे, उनका आपने सारी कम्युनिकेशन को कैसे कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, इनक्रिप्ट करवानी है, नहीं करवानी वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर या तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इम्प्लीमेंट हुआ होता है या फिर आपने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की सर्विस ली होती है। अभी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पार्ट है, उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एक इससे ऊपर होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और इससे नीचे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो IaaS PaaS और SaaS ये तीन एस्पेक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये फिर कभी हमें टाइम मिला तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग को एक अलग तरीके से ना एक छोटा सा 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसकी रिमोट मैनेजमेंट भी आ रही होती है। तो यहाँ पे जी हम अपना आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ये दो हमने एस्पेक्ट्स देखे, पहले हमने देखा पिछली स्लाइड में कि ये जो हमारे कंपोनेंट्स जो हैं IoT आर्किटेक्चर की क्या हैं, और देन फिर हमने उन कंपोनेंट्स के जो की एरियाज हैं जो कि IoT डिवाइस है, IoT गेटवे है और क्लाउड सर्विसेज है, इनके बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, ये दो हमने देख लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कल फिर दोबारा से इसी सफ़र को ही से आगे लेके बढ़ेंगे, और फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आने वाली स्लाइड्स को एक बार रिव्यू करके आ जाए तो हमारा सेशन ज़रा थोड़ा सा जानदार हो जाएगा, ठीक। और देन फिर आप लोगों के क्वेश्चंस भी आपके जहनों में आएंगे, हो सकता है कुछ मैं चीज़ें गलत पढ़ा रहा हूँ आपके जहन में उसका बेहतर कंसेप्ट हो, आप वो शेयर कर सकें। तो ये थोड़ा सा ना हमने इसको इंटरेक्टिविटी की तरफ लेके जाना है, ये वन वे वाला जो सिस्टम है इसको हमने थोड़ा सा मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो कल आप सवालों के लिए प्लीज़ तैयार हो गया आइएगा मेरी तरफ से, और जिंदगी तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।